हाँ जी, तो गाइस लॉस हरा है अपनी लॉबी में तो अपने सब्सक्राइबर भी बढ़े और फायदा भी हो गया थोड़ा सा। तो देखो बहुत ही मजा आने वाला है। सर गुस्सा इस वजह से हो रहे थे, कोई लड़का बहुत ज्यादा सुपर चैट कर रहा था तो सर इरिटेट हो गए थे। ये रहा अपना प्लेन गाइस, और इस चीज की वजह से अभी आप आगे जो देखने वाले हो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा एक सीन हुआ। मेरा प्लेन आया और यहाँ से लोग पढ़ के सर की 20 की वॉचिंग जा रही थी और यहाँ से लोग पढ़ के ना पहुँच गए मेरी लॉबी में। तो गाइस अभी मैं ऐसे ही नॉर्मल उतर रहा था, मैं अभी यहीं पे उतरता हूँ तो मैं हम लोग ऐसे ही नॉर्मल खेल रहे थे, हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने सब कुछ हाइड कर रखा था। अभी देखो ये स्पैम हुआ मेरी लॉबी में और गाइस मेरे सब्सक्राइबर देखना 1674 है गाइस। ओके मैं उतरते ही मर जाता हूँ, गन हाथ नहीं लगती है और मैं कुछ इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ बिकॉज छोटू का चैट आया हुआ होता है तो मैं उसी पे ध्यान दे रहा होता हूँ और मैं इतना कुछ ध्यान से नहीं देखता हूँ। यार मेरे को एक बार चेक करना है मेरे फोन में बैटरी की मेरे को ये टेंशन थी क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला था। वो कैसा गन है? अच्छा तो है। और ये देखना गाइस अभी क्या होने वाला है। हेलो 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 लॉस भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। पहले तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे लगता है किसी ने मेरे पे रेड किया। अरे लॉस सर इसमें ध्यान से नाम पढ़ता हूँ मजाक चैट के और मेरा रिएक्शन देखो। लॉल्स इज माय लॉबी। ओ थैंक यू सो मच फॉर द स्ट्रीम पे आने के लिए तुम्हारे। भाई मैं पागल हो गया था, थैंक यू सो मच गाइस। और मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था, मेरे को नहीं पता भाई मैं कहाँ उतरू, मेरे कुछ नहीं समझ रोजा 11 भाई मेरा टीममेट भी। सबसे बड़ा सपना होता है अगर मिलाप करेंगे तो मैं मिलाप करने के चक्कर में था। हम मारने वाले नहीं है यार, हम थोड़ा मिलाप मिलन जुलन वाले लोग हैं। बंदे कह रहे थे कि मार दो लेकिन बंदे मेरी वॉचिंग चेक करना गाइस। फन की वॉचिंग अपार्ट्स में क्या सीन हो रहे थे वो भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस सर उतर रहे थे अपार्टमेंट बिकॉज उनको कासल पे मार दिया था किसी ने और यहाँ पे सर इधर उतरते हैं और इधर उतरने के बाद अपन उधर थे और हम भी पागल हो रखे थे। तो सर को तो देखो इतना कुछ ध्यान नहीं बिकॉज वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं और गाइस उनके वजह से मेरे को बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले बिकॉज सिर्फ नाम पढ़ के मेरे को वही इतना सारा बंदा आ गया। उनकी 20K की वॉचिंग जा रही थी, 60 बंदा मेरी लॉबी पे आ गया। मैं मान सकता हूँ चलो 2-3 की मेरी भी वॉचिंग थी, फिर भी गाइस 50-60 बंदा आना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी गाइस। थैंक यू सो मच जिन लोग ने भी मेरे को ज्वाइन किया था। और गाइस यहाँ पे कुछ कलर लेवल पे नशे हो रखे थे भाई, लड़ाई जुलाई वाले लोग नहीं है भाई। अब देखो गाइस मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आप एंजॉय कीजिए क्या क्या सीन हुआ। कोई 58 की वॉचिंग चल रही है करें भाई, क्या गर्मी लग रही है। लॉल्स का वीडियो देख रहा हूं, अरे उनके स्किल्स वगैरह क्यों नहीं चमक रही लॉस सर की, और ना गाड़ी आया कुछ नहीं आया। एंड में मीटअप करना वरना मार देगा। अलग फ्रॉम लॉस थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच पिज़्ज़ा वाईटी किलर प्ले सादिक भाई थैंक यू सो मच गाइस। भाई बंदे इतने प्यारे थे गाइस, सबने इतना ज्यादा सपोर्ट किया प्लस एक एक बात बता रहे थे कि हम मीटअप करने जाने वाले थे, वो बता रहे थे मत करना उनका कौन कब कुछ चल रहा है वो मार देंगे
गाइस इतना मतलब क्या ही बताऊं, मैं इतना फ्रेंडली हो गया था बात करते करते, मैं उनकी स्ट्रीम पे भी बाद में जाता हूं बिकॉज इतने 60 लोग थे गाइस, उनको संभालना गाइस मेरे लिए पहले वो इंपॉर्टेंट थे, मेरी स्ट्रीम पे आए उनसे बात करना बहुत जरूरी था, वरना वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। ना आया ना उनका गाड़ी आया भाई, वरना मेरी क्या औकात है, हम क्या गए। मर गया भाई मर गया, डीएमसी बिंटू ने मार दिया भाई। हां भाई हां भाई हां भाई हां भाई पांडे तुम माइक बंद कर ले। भाई वो नॉर्मल रंगल में 30-30 किल मारता है, बहुत खतरनाक। निकाल है भाई। गाइस मेरे सब्सक्राइबर लोग कैसे हो गाइस, बॉयज पेन और आप सभी लोग कैसे हो भाई, ये सब तो बातें चलती रहेंगी यार, गेम प्ले वगैरह होता रहेगा। आप सभी लोग कैसे हो मेरे भाई, बताओ कहाँ कहाँ से हो गए सभी लोग, बताओ। बॉयज पेन पिज्जा भाई आप कहाँ से हो, आपका काफी सारा चैट आया भाई। मेरे लिए ये बंदे इतना ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, ऐसे बंदे नहीं मिलते सर। उनकी वॉचिंग इतनी प्यारी है ना, उनके इतने प्यारे स्वीट सब्सक्राइबर्स है, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, इतना सारा प्यार दे रहे थे मुझे। पंजाब से ओके, आप पंजाब से हैं चाय वगैरह। अरे अरे आओ घर आओ, अभी बॉयज पेन झारखंड से है। लव फ्रॉम मध्य प्रदेश, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच मिस्टर गुजरात से भाई, क्या क्या ही लोग है यार, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अपन उत्तर प्रदेश से हैं, देखो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहता हूँ गाइस। वैसे तो मैं बहुत ही प्यारा लगता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना शीत इंसॉमिया का नहारा में टाइप वाला, अपने पास गेम प्ले वाला सिस्टम नहीं है, अपन अंतर्यामी टाइप बकचोदी करते हैं। तो गाइस मैंने जिनको देख के स्ट्रीम स्टार्ट किया था, मतलब जो मेरे मेन मेरे में जिनको सब मानता हुआ है हमारे अंतर्यामी सर कानपुर से, मैं उन्हीं को देख के यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ। रीबोर्ड है दो, रीबोर्ड के बारे में तुम लोग को एक चीज बताऊंगा गाइस, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन रखेगा, क्योंकि वो टीचर्स ने तुमको डराएंगे। दो प्री बोर्ड्स का हमेशा यही होता है, किसी भी बोर्ड में हो कहीं पे भी हो, प्री बोर्ड्स में देखो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो इतना हार्ड रहेगा ना, 50% आता है भाई उसका, तुम्हारा जो बोर्ड एग्ज़ाम में होगा 50% आ जाता है, तो बिल्कुल उसका टेंशन मत लेना भाई। मैं कोलकाता से हूँ भाई, थैंक यू सो मच बेटी स्ट्रीम पे आने के लिए। टफ होता है लेकिन उसकी टेंशन मत लेना, देखो ये मत टेंशन लेना कि प्रीबोर्ड्स निपट गया, प्रीबोर्ड्स खराब गया, प्रीबोर्ड्स इसी वजह से होता है कि तुम और अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन हाँ ये मत लेना कि हल्के में ले ले, इतना भी हल्का नहीं होता है, लेकिन गाइस मेहनत करोगे तो प्रीबोर्ड्स वगैरह इजी निकल जाएंगे। एक सब्सक्राइबर आया था उसका प्री बोर्ड था, स्वागत है भाई, और मैं उसको समझा रहा था उसका कल एग्जाम है, तो मैं उसको बता रहा था कुछ ज्यादा टेंशन वगैरह मत लेना, प्री बोर्ड सीधी आएगा। हाँ वो तो तुमको टीचर जानबूझ के भी देगा, तुमको मिल भी रहा होगा वहाँ पे भी काट देगा, पता है वो पासिंग मार्क्स इसी वजह से देते हैं जिसमें आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। हेलो भावेश भाई, थैंक यू सो मच स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, लास्ट में मीटअप करो भाई, जरूर करेंगे, हम मार पिटाई वाले बंदे हैं ही नहीं, हम सिर्फ मित्रता से काम चलाते हैं। देखो जहाँ पे आपस में बात करके मामला सुलट रहा हो वहाँ पे क्या लड़ाई दंगे करना, बताओ बताओ। और बताओ तुम में से कितने लौंडे आज नहा के आए हो, हमें पता है आधे लौंडे तो नहाते नहीं है, तुम लोग कितने लौंडे नहा के आए हैं, कितना लौंडा आज नहा के आया है जल्दी बताओ। मैं कोलकाता से हूँ, ओके भाई साकिल गेमिंग भाई कोलकाता से हैं। साकिल गेमिंग भाई आपका चैनल है क्या, 37 सब्सक्राइबर है। अमन नाम चमक रहा है, मैं बातें कर रहा हूँ यार इन लोग से, मजा आ रही है ब्रो। कौन सा फोन, 13 प्रो या 13 प्रो में? लॉल्स की टीम खत्म होने वाली है, एक ही बंदा बचा हुआ है भाई, मेरे पास है आईक्यू नियो 6। यहाँ पे मैं बंदे की बात नहीं समझ में आ रहा पाता हूँ, वो अपने लिए पूछ रहा होता है, तो मैं अपना डिवाइस का नाम बता देता हूँ। लॉज परेशान है अभी सुपर चैट से भाई, वो तो बड़े 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 लोग भाई उनका आते रहती है सुपर चैट के बड़े बड़े लोग, तो मैं उनकी स्ट्रीम पे नहीं गया था तो मुझे नहीं पता था वहाँ के क्या सीन है। तुम अपने अपलास्टर आर्मी के प्योर मेंबर हो,
मैंने 7 दिन से नहीं नहाया है, तुमने 7 दिन से नहीं नहाया। अब हम लोग जब भी मिलेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से, दोनों गंदे होंगे ना। हेलो दीपक गुप्ता, थैंक यू सो मच भाई। जब पिकअप करोगे अपने चैनल का नाम बता देना, वर्डल भाई ग्रो हो जाएगा। अरे ग्रो तो अपन भी कर लेंगे। तो एक होता है ग्रो, तुमने जो कैरिमिनेटी की वीडियो वाला देखा हो, देखो एक पब्लिक मिलती है, एक कमाई जाती है, मैं धीरे धीरे कमा रहा हूँ वो भी पब्लिक बॉट मार मार के। मेरे को एक्सेस कार्ड मिल गया कमरे का, चाबी चोरी की। लेकिन हाँ जरूर बताएंगे भाई चैनल का नेम, स्कोप मिले तो मार करना था भाई। बंदे बहुत अच्छे से बता रहे थे ये करना वो करना, अरे भाई क्या ही जो मजे आ रहे थे ना इन लोग से बात करने में, मैं बता भी नहीं रहा। मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा भाई, जब मेरे को बंदे मिल जाते हैं ना तो मेरा बस बात करने का मन करता है मेरा हमेशा के लिए। भाई ये मेरा आज का नहीं पबजी लाइट से मेरा यही चला आ रहा है, इस टाइम कर रहे हैं तो मेरा हमेशा से यही है कि मेरे पास अगर वॉचिंग होती है अच्छी खासी तो मैं गेम प्ले की गया माँ की आंख, मैं पहले बात करता हूँ सबसे बहुत अच्छे से, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। अपना एक एक सब्सक्राइबर बंदा अगर से कोई आपको टाइम दे रहा है तो भाई मैं नहीं भाई उसका टाइम वेस्ट नहीं करने तब बिल्कुल। हाँ अगर बाई चांस बहुत इमरजेंसी है फाइट की तो ठीक है भाई, अगर नहीं है तो भाई मैं लेटा रहूंगा बातें करता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम था भाई का? मैं कंटिन्यू बंदों से बातें करता रहता हूँ। उनको समझा रहा होता हूँ, मतलब कुछ सवाल होते ना सब्सक्राइबर्स के तो बस वही चीज है उनको। नाम के बंदे ने मारा और बदला लेंगे, हो गया। रिवेंज का सोचते हैं तो गाइस उनको भी कोई बंदा मार चुका होता है, माइनस भी लग गया लॉस। कौन लॉस सर का 18 माइनस? हां 18 माइनस लग गया, बताओ इनका माइनस लग गया हमारी लॉबी में। यार पहले पता होता तो पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया मैच। भाई बुरा लगता है अंदर चले भी गए, मैं कल ही उनके स्ट्रीम पे था। कल सर की स्ट्रीम पे था मैं, नेक्स्ट कभी ना कभी और मिलेंगे, करेंगे। ए, ए, मेरे को कोई मार रहा है, थोड़ा कवर जाता हूं। बंदे आ चुके हैं, फाइट लेना पड़ेगा पर। अरे मेंबर्स ओनली मोड लगा दिया भाई उन्होंने। सपना टूटा है दिल टूटा है, मिलने का सपना टूटा पर चलता है। कभी ना कभी मिलेंगे गाइस, टेंशन नहीं लेने का, जरूर मिलेंगे। और जो मेंबर्स ओनली मोड पे भी होते हैं उनके पास इतना ज्यादा चैट आता है गाइस, क्या ही बताऊं मैं। लेकिन मुझे बुरा लगा था बहुत। ये कौन है गाइस? बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, आप लोग हमें डेली भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। अपन लोग थोड़ा बीजीएमआई से रिलेटेड बकचोदी वाली, आप लोग चाहो तो कल ही एक बकचोदी से भरी हुई वीडियो भी मैं डाल सकता हूँ, मेरे पास और कंटेंट बहुत सारा है। बस वॉचिंग जब नहीं आती है ना या फिर वो नहीं आता है जब उतना वो मिलता नहीं है तो थोड़ा सा खराब लगता है। बंदे कहाँ पे हैं? थोड़ी गेमिंग ज्यादा नहीं तो तुम एक एंड्रॉइड ले लो, अगर गेमिंग ज्यादा नहीं करनी है और अगर तुमको एक अच्छा सा वही चाहिए तो फिर वो ले लो, फिर 13 प्रो और प्रो मैक्स में देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो गाइस ये वाली वीडियो अभी यहीं खत्म करते हैं वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया और थैंक यू सो मच लॉस सर बिना कहे इतना सपोर्ट के लिए, मतलब बिना आपके भी कहे आपके बंदों ने इतना सपोर्ट किया मुझे उस चीज के लिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब किया। मतलब पार भी बंदे हैं